एक मीटिंग हुई थी हमारी, और आज से कोई एक महीना पहले, उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि यूनिवर्सिटी को 50% स्ट्रेंथ पर ओपन किया जाए, क्योंकि उस वक्त कोविड की सिचुएशन खासी सूरत हाल ख़राब थी, और लॉकडाउन भी था, स्कूल जो ओपन हुए थे वो भी 50% पे चल रहे थे। लेकिन 1 मार्च से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि अब जो स्कूल्स हैं और जो तालीमी इदारे हैं उनको फुल स्ट्रेंथ पे खोल दिया जाए। तो हमारी भी अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में हमने भी अब ये डिसाइड किया है कि हम अब यूनिवर्सिटी को भी फुल स्ट्रेंथ पर ओपन करेंगे। तो उस सूरत हाल में, चूँकि हम प्रीवियसली हमारी तैयारी 50% के हिसाब से थी, तो हमें कुछ थोड़ा सा टाइम चाहिए था फुल स्ट्रेंथ पे ओपन करने के लिए। सो लास्ट मीटिंग में अब ये डिसाइड हुआ है कि 22 मार्च 2021 से हमारी यूनिवर्सिटी फुल स्ट्रेंथ पर खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। कोरोना SOPs को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। उस हवाले से हमारे पास पता है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की एक पूरी टीम है ओसा के नाम से, वो मेक श्योर करेंगे कि तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर कोरोना SOPs को फॉलो किया जाए। क्लासेस में सैनिटाइजर्स अवेलेबल हों, मास्क अवेलेबल हों, और स्टूडेंट जो हैं वो बग़ैर मास्क के क्लासेस में ना आएँ। और इस तरीके से जो टीचर्स हैं उनको भी सख्ती से ये पाबंद किया जाएगा कि वो भी कोरोना के जो SOPs हैं उनको फॉलो करें, और न सिर्फ ख़ुद फॉलो करें बल्कि स्टूडेंट्स को भी फॉलो करवाएं। हॉस्टल्स भी ओपन कर दिए जाएंगे, जितने भी हॉस्टल्स हैं उनको हम तमाम हॉस्टल्स को ओपन करेंगे, और कोशिश हमारी है कि बल्कि मैं इस जो आपकी इस वीडियो है उसके हवाले से मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि वो तमाम स्टूडेंट जो हॉस्टल में रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं वो रابطہ करना शुरू कर दें अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के थ्रू फिर उनकी जो रिजर्वेशंस हैं, जो उनकी बुकिंग्स हैं, जो उनके कमरे हैं, उनको अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाए और ताकि उनको कमरे मिलने शुरू हो जाएं। और हॉस्टल्स में भी हमने SOPs को फॉलो करवाना है, वहाँ भी हम तमाम कोरोना SOPs को फॉलो करवाते हुए और जो गवर्नमेंट ने हमें SOPs दिए उसके मुताबिक हमने हॉस्टल भी खोलेंगे, लेकिन हॉस्टल भी खुलेंगे ये कन्फर्म है।